नमस्ते, फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कुमार। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड कंपनी के बारे में। इस कंपनी से रिलेटेड एक नया अपडेट निकलकर सामने आया है, उस अपडेट पर चलेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि ब्राइटकॉम ग्रुप, जिसे आज आप ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के नाम से जानते हैं, 2010 में जब ये कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय इसको लाइकोज इंटरनेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। लेकिन 2018 में फिर से इसका नाम चेंज हुआ और उसके बाद इसका नाम पड़ा ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड। तो ये तो हो गई नाम की बात। अब यदि बात करें काम की, कंपनी काम क्या करती है, तो कंपनी ऑनलाइन डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइडर है, जिसमें बेसिकली इंटरनेट और सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है अलग अलग कंपनियों को और इंस्टीट्यूशंस को जिनकी इसकी ज़रूरत होती है। 2010 से यदि बात करें तो 10 सालों में कंपनी ने जो सबसे लंबा हाई लगाया वो पिछले साल दिसंबर 2021 में लगाया था, तकरीबन 223 रुपये के आसपास। वहाँ से यदि देखेंगे तो कंपनी का शेयर प्राइस कंटिन्यूस डाउन किया है, अभी डाउन होकर लगभग 33-34 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन यह प्राइस अपने हाई से डाउन क्यों गया, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले यह देख लेते हैं कि नया अपडेट क्या आया है। नया अपडेट है कल के दिन का 4 नवंबर 2022 का, जिसमें कंपनी के डायरेक्टर्स की तरफ से एक लेटर जारी किया गया। बताया गया है कि इसी माह में 12 नवंबर के दिन कंपनी के Q2 के रिजल्ट आने वाले हैं, यानी कि सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है। देखिए, उम्मीद है रिजल्ट अच्छा आएगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कंपनी के मैनेजमेंट में, कंपनी के कार्यों में काफ़ी प्रगति और सुधार होते हुए दिखा है पिछले कुछ दिनों में, और पिछले क्वार्टर के जो रिजल्ट आए हैं उससे भी ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस बार सितंबर क्वार्टर के जो नतीजे आने वाले हैं काफ़ी अच्छे आने वाले हैं, उम्मीद के मुताबिक आने वाले हैं। यदि बात करें जो कंपनी के Q1 के रिजल्ट आए थे, देखिए किसी भी कंपनी के साल भर में 4 क्वार्टर के रिजल्ट आते हैं, Q1, Q2, Q3 और Q4। तो अभी जो रिजल्ट आने वाला है वो Q2 का, यानी सितंबर क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है। इसके पहले जून में Q1 का रिजल्ट आया था। तो यदि Q1 के रिजल्ट देखेंगे तो उसमें कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू प्राप्त हुआ था वो 1240 करोड़ से बढ़कर 2481 करोड़ हो गया था सिर्फ 3 माह में। ये काफ़ी अच्छी बात है। इस तरह की यदि इसे आप छोटी कंपनी मानते हैं तो इस तरह की कंपनियों के लिए कि 3 माह में 1240 से 2481 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करना काफ़ी मतलब पोटेंशियल वाला काम है। और यदि उसमें प्रॉफिट देखेंगे, इस कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ, तो जहां जून क्वार्टर में इस कंपनी को टोटल प्रॉफिट था, सॉरी Q4 में टोटल प्रॉफिट था 223 करोड़, वहां Q1 में बढ़कर हो गया 277 करोड़। मतलब सिर्फ 3 माह में 223 से बढ़कर 277 करोड़ हो गया। और अभी Q2 का रिजल्ट आने वाला है, तो ये उम्मीद है कि इस बार प्रॉफिट 300 के पार चला जाएगा, यानी कि 300 करोड़ के पार चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसमें तेज़ी आने की उम्मीद है। और एक बात आपको समझना होगा कि अभी कंपनी बिल्कुल डेब्ट फ्री हो गई है, जबकि यह जब हाई लगाया था दिसंबर 2021 में 237 रुपये के आसपास, उस समय इसके ऊपर काफ़ी कर्जा था। वहाँ से देखेंगे तो कंपनी ने कर्जा कम किया है, और अब जब कंपनी बिल्कुल कर्ज मुक्त हो गई है और प्रॉफिट कंपनी के पास आने लगा है, तो शेयर प्राइस में तेज़ी आने की उम्मीद है। उम्मीद है कि Q2 का रिजल्ट यदि अच्छा आता है तो कंपनी के शेयर प्राइस 50 प्लस जाते हुए दिख सकते हैं। ऐसे में यदि आपका इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में है तो अभी बेचने के बारे में मत सोचिएगा। हाँ, यदि कोई नया व्यक्ति अभी इस लेवल पर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसे राय मशवरा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर करना चाहिए, तभी आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। और यदि लंबी अवधि का नजरिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कंपनी का फंडामेंटल भी ठीक है और धीरे धीरे ये तो मजबूत ही हो रहा है। इसमें देखेंगे तो जो विदेशी निवेशक हैं FII, उनकी हिस्सेदारी लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे देश के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो म्यूचुअल फंड होते हैं, इनकी भी भागीदारी इसमें बढ़ रही है धीरे धीरे। और बाकी प्रमोटर्स तो हैं ही, प्रमोटर्स इसमें तकरीबन 18% के आसपास हैं, जो कि ठीक है, बाकी पब्लिक की हिस्सेदारी है। तो ओवरऑल बात करें तो कंपनी का जो काम है इसका फ्यूचर ग्रोथ काफ़ी हाईलाइटेड है, काफ़ी बढ़िया है, और कंपनी का फंडामेंटल धीरे धीरे मजबूत हो रहा है, तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। बाकी रहा आज के दिन का यह अपडेट, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। यदि आपके पास शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो Angel One का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ पर आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।